जमियत ए उलेमा हिंदतर्फे 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी सोलापुरातील आसरा चौक येथील मैदानात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे। समाजात सुरू असलेल्या वाईट कृती द्वेषपूर्ण वातावरण यामुळे सर्वच जातीधर्मातील तरुण तरुणी भरकटले जात आहेत। या सर्व बाबींमुळे समाजातील भाईचारा लयास जात आहे। एक सामाजिक संदेश देण्याच्या उद्देशाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती मौलाना हरीस यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली। तसेच या कार्यक्रमास महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मौलाना नदीम सिद्दीकी यांची उपस्थिती असणार आहे। सर्वांना ते मार्गदर्शन करणार आहेत। जमियत उलमा महाराष्ट्र में ये 5 तारीख से लेके 15 तारीख तक का एक 10 दिन का समाज सुधार अभियान चला रही है। उसी के अंतर्गत आने वाले शनिचर को 7 अक्टूबर शाम 7 बजे नई जिंदगी में हकीम गार्डन के सामने आसरा मैदान है, वहाँ पर एक ओपन प्रोग्राम और जाहिर सभा जो है रखी गई है। उसका टॉपिक है इस्लाहे मुआशरा यानी समाज सुधार सभा, उज्जवल भविष्य और रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना जो है साथ और सहयोग दे। जमियत उलमा ये सिर्फ प्रोग्राम करके इसको ख़त्म नहीं कर रही है, बल्कि ये प्रोग्राम जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद में मोहल्ला लेवल पर समाज सुधार समितियां गठित करके एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम का गोया कि यहां से आगाज़ और शुरुआत होने वाली है। तो आप तमाम से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस प्रोग्राम में शिरकत करें। 7 अक्टूबर शनिचर का दिन शाम 7 बजे नई जिंदगी में हकीम गार्डन के सामने मैदान में ये प्रोग्राम रखा गया है। आजच स्मार्ट महाराष्ट्र न्यूज चैनल ला सब्सक्राइब करा।